अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिधवा, आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। हमेशा हम डेनिश पेस्ट्री जब भी खाते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि मीठी होगी, ठीक है। आप सेवरी भी बना सकते हैं, चीज़ की भी बना सकते हैं। हम क्रीम चीज़ के साथ बनाएंगे आज चीज़ डेनिश पेस्ट्री, ठीक है। और बहुत ही आसान है, कोई आटा वाटा नहीं गूंदना है, पफ पेस्ट्री के साथ आसान तरीका। फिर अगर आपके पास वॉफल मेकर घर में है तो उससे हम हैश ब्राउन्स बनाएंगे, वो भी चीज़ और चिकन के साथ स्टफ़ किए हुए। और हैश ब्राउन्स क्या होते हैं? इस तरह के कद्दूकश किए हुए आलू हैं ये, ठीक है। और उसको आपने धो के अच्छी तरह स्टार्च एक्स्ट्रा जो है वो निकाल के एक छन्नी में इस तरह रख देना है और सारा एक्स्ट्रा पानी मॉइस्चर इसमें से निकल जाएगा। फिर हम वॉफल मेकर में इसको पकाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको ब्रंच पे सर्व कर सकते हैं, नाश्ते पे सर्व कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम एग एंड वेजिटेबल के साथ बहुत ही मज़ेदार सा आसान तरीन पुलाव आपको बनाना सिखाएंगे। सो मेरे साथ रहिएगा 4 से 5 लाइव, हफ्ता इतवार सैटरडे संडे में मसाला टीवी पे आपके साथ हूँ और रात में मेरा शो 9 बजे रिपीट होता है। एंड अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल माय फैंस एंड व्यूअर्स जो मेरा यम यम यमी वाला फिलर्स का शो जो है वो देखते हैं, जो पूरे दिन चैनल पे हमारे चलते रहते हैं। और बहुत सारी डिफरेंट मज़ेदार सी मैंने क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ आपको सिखाई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द लवली फीडबैक। देखते रहिएगा, और भी आगे बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें हमने प्लान की हैं। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें पफ पेस्ट्री को बेल के मैंने यहाँ रख दिया है, इस तरह के स्क्वायर्स आप काट लीजिएगा। यहाँ है मेरे पास क्रीम चीज़, ठीक है। इसको आप डाल दीजिए एक बोल में, उसमें आप थोड़ी सी चीनी डालिए, बहुत सारी नहीं, थोड़ी सी अबाउट 1 टेबलस्पून भर के। फिर आप उसमें वनीला एसेंस डालिए और इसको बीट कर दीजिए, और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। थोड़ा सा हम जस्ट लिटिल ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डालेंगे, दैट्स इट, ठीक है। बस एक पूरा अंडा है और एक अंडे की जर्दी है, उसको हम थोड़े से पानी के साथ मिक्स करेंगे। ये पानी लीजिए, अंडे में थोड़ा सा टेबलस्पून जितना पानी डालिए और एक एक्स्ट्रा जर्दी डाल दीजिए, सिर्फ जर्दी है ये। एंड इसको आप मिक्स कर दीजिए, फिर हम इसको ब्रश करेंगे। अच्छा, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है, बीटर से या हाथ से या चम्मच से, स्पैचुला से। हमें सिर्फ इसको इसके बीच में रखना है, ठीक है। आज हमने एक सवाल रखा है फॉर डिलक्स केटल एनेक्स की तरफ से, कराची में लास्ट मसाला फैमिली फेस्टिवल कब हुआ था? आप सोचिएगा और बताइएगा, जल्दी से सोचिए। लाहौर में तो होता है, कराची में कब हुआ था? सोचिए और बताइए जल्दी से, ठीक है। 8881 पे आपने SMS करना है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। नाउ हम थोड़ा सा चीनी ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, ये हटा देते हैं यहाँ से, और ब्रश ले लेते हैं, पानी और अंडा और एक पूरा अंडा, ठीक है, ये हम लगाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग दिस। अब ये याद रखना है आपने कि ये जो क्रीम चीज़ है ना, जिसमें थोड़ा सा हमने वनीला एसेंस, लेमन जूस और चीनी डाली है, इसको आपने ज़्यादा नहीं भरना है, ना ही आपने इसको स्प्रेड करना है। सो एक टेबलस्पून भर भर के हम इसमें बीच में रखेंगे और इसको फिर हम बेक करने के लिए यहाँ 200 डिग्रीज़ पे मैंने 200 डिग्रीज़, हमेशा पफ पेस्ट्री जब भी यूज़ करते हैं, बनाते हैं पफ पेस्ट्री से कुछ भी, तो 200 डिग्रीज़ पे अवन को प्रीहीट करते हैं। अच्छा, अब पफ पेस्ट्री के जो स्क्वायर्स हैं आपने इसको इस तरह फ़ोल्ड कर देने हैं, ठीक है। इस तरह आप फ़ोल्ड करेंगे, लेकिन बीच में पहले हम एक एक चम्मच भर के इसका ये रख देंगे और इसको स्प्रेड नहीं करेंगे, बस ऐसे ही रखेंगे। ये खुद ही जब बेक होगा स्प्रेड हो जाएगा, ओके। सो इसको ऐसे आप बंद कर दीजिए, थोड़ा सा इसको हमने खुला रखना है, साइड्स इसके, और हम इसको इस पर रखते जाएंगे। अंडे से ब्रश करेंगे और फिर इसको जब ये बेक होके निकलेगा ना, तब हम इस पे रखेंगे आइसिंग शुगर या चीनी, जो भी आप ऑक्टेगन शेप में करें, इस तरह आप बंद करें, व्हाटएवर वे यू लाइक। झटपट स्नैक या इवन फॉर इफ्तारी यू कैन डू ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। क्लोज़ कर दीजिए किसी को थोड़ा खुला रखिए, ये बेक होगा तब ये खुलेगा भी खुद, और ये अंडे के साथ ब्रश करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसको क्रीम चीज़ बहुत महंगा हो गया है, अगर आप क्रीम चीज़ नहीं करना चाहते हैं यूज़, तो फिर आप दही का मट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं, यानी दही को लेके उसको टांग लीजिए और फिर उसको यूज़ करिए। लेट मी पुट सम egg on the side. महागुल हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, आपके सामने। फरमाइए जी। बस वो आपके सवाल का जवाब देना था जी। जरूर जी, बोले। ये 6 to 8 जनवरी लास्ट वीक में हुआ था फेस्टिवल कराची का, लास्ट कराची में फूड फेस्टिवल। पक्की बात जी, मैंने देखा था टीवी पर। आपने देखा था ऐड आपका? अच्छा जी, चले देखते हैं। बाय द टाइम द शो एंड्स हम बता देंगे कि लास्ट कब हुआ था। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये आपने ये ले लिया और इसको यहाँ बिछा दिया बीच में, और आपने इसके एंड्स पे ये अंडा लगा दिया ताकि स्टिक करने के वक्त इजीली आप इसको इस तरह कर सकें। और फिर और मज़ीद अंडा हम लगाएंगे। लॉट्स ऑफ मेस आई हैव क्रिएटेड, उसको साफ़ करना ज़रूरी है। ठीक है जी, काउंटर, टेबल टॉप सब कुछ साथ साथ साफ़ करते रहें। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको अवन में बेक होने रख दूँगी, मगर मैं उसके ऊपर अंडा अच्छी तरह लगाऊँगी इस तरह। आप लोग लीजिए एक ब्रेक, जल्दी से वापस आइए। ब्रेक से आएंगे तो फिर हम वॉफल मेकर को प्री हीट करेंगे और उसमें हम ये मज़ेदार सी आलू वाली रेसिपी बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ और मसाला टीवी। और अब हम देखें, पहली रेसिपी चली गई है अवन में। हम बना रहे हैं चीज़ से डेनिश पेस्ट्री। ठीक है, अब हम हैश ब्राउन्स बना रहे हैं, वो भी स्टफ्ड। हैश ब्राउन्स क्या होते हैं? ये आलू, 4 से 5 आलू लीजिएगा, छिलका उतारिएगा, उसको कद्दूकश करके धो के छन्नी में रख दीजिएगा 15-20 मिनट के लिए, पूरा पानी इसका निकल जाए। ठीक है, फिर आप इसको एक बोल में डालिए, उसमें नमक डालिए, मक्खन डालिए, और आप उसमें काली मिर्चें डालिए। That's it, ब्लांड होता है, कोई इसमें स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। सो इसमें आप मक्खन शामिल कर दीजिए, और आप इसको बॉइल्ड चिकन रखिए, चेडर चीज़ रखिए। ये देखें, आपने इसमें थोड़ा सा नमक डाला, काली मिर्चें कुटी हुई डाल दी, और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। ठीक है, फिर आपने वॉफल आयरन गरम करनी है। जब ये अच्छी सी गरम हो जाए तो आपने एक पोर्शन उठा के ना इसमें से आपने इसके अंदर रखना है, फिर आपने इसके बीच में चिकन और चीज़ डालना है, और फिर आपने उसको टॉप करना है दूसरे पोर्शन के साथ, और फिर ये वॉफल मेकर में पक जाएगा आलू। जब पक जाएगा, अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा, तो आप अंडों के साथ सर्व कर सकते हैं, ऑन इट्स ओन सर्व कर सकते हैं, नाश्ते पे सर्व कर सकते हैं, चाय पे सर्व कर सकते हैं। एक साइड डिश आपकी हो गई। वेजिटेरियन अगर कोई आ रहा है आपके घर तो उनके लिए बना सकते हैं। सो बहुत सारे तरीके हैं सर्व करने के। ठीक है, नॉर्मली हैश ब्राउन्स नाश्ते के साथ खाए जाते हैं, सो आप बनाइए कल संडे नाश्ते के लिए। सवाल हमने रखा हुआ है कि लास्ट टाइम कब कराची में मसाला फैमिली फेस्टिवल हुआ था। 8881 पे SMS करिए या हमें कॉल करके बताइए। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। एक कॉलर वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही यहाँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हेलो जी, हेलो। इनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, अब मुझे आ रही है इनकी आवाज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे आपका आंसर करना था। जी जरूर। आपका जो आंसर है वो लाहौर में हुआ था, एक्सपो सेंटर लाहौर में। कराची में कब हुआ था लास्ट? कराची में। कराची में, कराची में, कराची में तो होता था ना हर साल। लास्ट टाइम कब हुआ था कराची में, ये बताइए। थोड़ा सा ग्रीस करना है तेल के साथ। क्या जी? मेरे ख्याल से तो लास्ट लाहौर में हुआ था। नहीं नहीं, कराची में जब आखिरी दफा हुआ था तो कब हुआ था, ये सवाल है हमारा। चलिए मैं दोबारा कॉल सोचिए। हाँ जी, कॉल करिए या 8881 पे SMS करिएगा। बहुत शुक्रिया। वॉफल आयन को गर्म करके फिर ग्रीस करना और इस तरह ब्रश के साथ यहाँ से भी, यहाँ ऊपर भी, यह भी सब कुछ अच्छी तरह ग्रीस करिए। फिर आप लीजिए चम्मच भर के आलू, इसको रखिए पहले नीचे पूरा एक, स्प्रेड आउट थोड़ा सा करिएगा और ज़्यादा नहीं। और आलू में से जितना हो सके पानी प्लीज़ निकाल दीजिएगा। आलू को इसमें पकना है, ठीक है। ये आलू कच्चा है, बिल्कुल बॉयल कुछ नहीं किया है मैंने। ये आलू कच्चा है, हैश ब्राउन्स बनेंगे इस तरह के। शेप इसका ये आ जाएगा, जो शेप आपका वॉफल मेकर का है। हार्ट शेप के भी मिलते हैं, प्लेन भी मिलते हैं, राउंड भी मिलते हैं, बहुत सारे किस्म के मिलते हैं। और अगर वॉफल मेकर नहीं है तो आप फ्राइंग पैन पे भी बना सकते हैं। ढक्कन ढांक दीजिएगा ताकि आलू पक जाए। अब एक लेयर हमारी हो गई है ना, तो इसमें फिर अब मैं चिकन और चीज़ ग्रेट किया हुआ है, चिकन मेरे पास बॉईल किया हुआ है, नमक काली मिर्चों के साथ मैंने बॉईल किया था। सो यहाँ बॉयल चिकन चला गया बीच में, ठीक है, बीच में रखिएगा उसको। और आप उसमें डालेंगे चीज़, चेडर या मोज़रेला, मैंने चेडर लिया है। ऐसे करके आप चीज़ रखेंगे इसके बीच में। और अब इसको टॉप करेंगे हम इसके साथ और मज़ीद आलू के साथ कवर कर देंगे हम ये चीज़ को और ये चिकन को, ठीक है। फिर ये खुद ही स्प्रेड होगा और पकेगा। इसको टाइम लगेगा बिकॉज़ आलू कच्चा है। आपको बाहर जाके हैश ब्राउन्स ख़रीदने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको ये सिखा दिया है, तो ये ज़रूर बनाइएगा। नाउ जस्ट क्लोज दिस, दबा के ऐसे प्रेस डाउन करिए जितना आप उसको प्रेस कर सकें, ठीक है। चलिए अब आई विल एक्सप्लेन टू यू। एक बार फिर हम ज़रा रिकैप की तरफ आ जाएं। मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की है। 1 अदद अंडा लिया था, 1 अदद अंडे की उसमें जर्दी डाली थी, बहुत थोड़ा सा पानी डाला था और मैंने उसको मिक्स करके एक तरफ रख लिया। 8 आउंसेस मैंने क्रीम चीज़ लिया था, टब वाला लीजिएगा प्लीज़, बॉटल वाला नहीं लीजिएगा, वो सॉल्टी होता है, वो स्प्रेड होता है। उसमें मैंने थोड़ा सा 1-2 चम्मच भर के चीनी डाली थी, लेमन जूस डाला था, वनीला एसेंस डाला था, अच्छी तरह उसको हाथ से मैंने मिक्स कर दिया था। और फिर पफ पेस्ट्री को बेल दीजिएगा। आधा किलो मैंने पफ पेस्ट्री ली थी, बेल के उसको स्क्वायर्स में काट लीजिएगा और फिर उसके ऊपर आप साइड्स पे अंडा लगा दीजिएगा, वो वाला, और फिर बीच में ये रख दीजिएगा क्रीम चीज़। उसको स्प्रेड नहीं करिएगा, चम्मच से ऐसे ही उठा के रख दीजिएगा और बंद कर दीजिएगा। एजेस थोड़े से बेक होते वक्त एजेस खुल भी जाएंगे, परेशान नहीं होइएगा। बेक होके जब निकल आएगा, बेक करना आपने इसको 200 डिग्रीज़ पे है। पफ पेस्ट्री की कोई भी चीज़ हो 200 डिग्रीज़ पे हमेशा बेक होती है। निकलेगा तो आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर छिड़क के आप उसको फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा, ठीक है जी। सेवरी भी होते हैं चीज़ पेस्ट्रीज इस तरह के डेनिश, और इस तरह के मीठे भी होते हैं। अच्छा, ये मेरा वॉफल मेकर चल नहीं रहा है, सो इसको हमें ब्रेक में देखना पड़ेगा प्लग को, ठीक है। अच्छा चलिए अब आते हैं वेजिटेबल एंड एग पुलाव की तरफ। यहाँ आलू है, गोभी है यानी कॉलीफ्लावर, मटर है, अंडे बॉईल करके लाई हूँ मैं, चावलों को भिगो दिया है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, नमक है, अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ है, और काली मिर्चें हैं, लौंग है, घी है। ये सारी कुछ चीज़ें हम बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा झटपट तैयार होने वाला वेज एंड एग पुलाव है। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम चेक करेंगे कि हमारे डेनिश कहाँ तक पहुँचे हैं इन आवर ओवन, और फिर हम ज़रा वॉफल मेकर को भी देखते हैं, उसको भी ज़रा ठीक ठाक करते हैं। आप लोग लीजिए एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक में आपने बहुत सारे SMS करने और हमें बताना है 8881 पे अगर आपको चाहिए एनेक्स का ये गिफ्ट कि लास्ट टाइम कराची में मसाला फैमिली फेस्टिवल एक्सपो सेंटर में कब हुआ था, ठीक है। एवरी ईयर होता था ना, कराची लाहौर तो हम गए थे नवंबर में, लेकिन पिछली दफ़ा कराची में कब हुआ था ये आपने बताना है। सो स्टे ट्यून, वेलकम बैक। देखें, नाउ इट्स टाइम टू टेक आउट माय डेनिश। ये देखें, आई वाज वेटिंग कि मैं आप लोगों के सामने इसको निकालूं, फिर हम इसको जाली पे रखेंगे, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल मेरे वॉफल मेकर में बन रहा है, लेकिन अगर आपके पास वॉफल मेकर नहीं हो तो आप पैन में भी बना सकते हैं। तो तेल गरम करिए, मक्खन गरम करिए, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड नीचे। फिर इसमें आप थोड़ी सी चिकन डाल दीजिए, ठीक है, और आप इसमें चीज़ डाल दीजिए और आप इसको टॉप कर दीजिए विद द रेस्ट ऑफ द पोटैटो और आप इसको पका लीजिए चूल्हे पे। तो मैंने कहा मैं एक आपको इस तरह भी दिखा दूँ, इन केस किसी के पास नहीं हो वॉफल आयरन तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, पानी पूरा निकाल दीजिएगा, अभी तक पानी इसमें से निकल रहा है आलू में से, फिर ये पकेगा नहीं, वरना कद्दूकश करके एक छन्नी में रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में मक्खन में चावल बनाना शुरू कर दूँ। तो यहाँ मेरे पास मक्खन है, इसको आप डालिए यहाँ पैन में। एक कराची से एक कॉलर है नूर, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैं ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी मुझे आंसर देना था। जी ज़रूर। जी 15 से 16 फरवरी 2020 को एक्सपो सेंटर में ये इवेंट हुआ था। ठीक है, ओके, नोट कर दिया है। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब ये देखें नीचे से ये जमना शुरू हो गया है। ठीक है, तो मैं इसकी आंच कम कर दूं बिकॉज आई वांट अ नाइस ब्राउन कलर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये ऊपर से भी पक जाए, कच्चा ना रहे, तो मैं इसके ऊपर एक ढक्कन ढाँक देती हूँ। ठीक है, ताकि आलू हल्की आंच पे पकता रहे। और यहाँ आपने मक्खन में सौटे कर देना है पहले तो चावल को, और फिर आपने थोड़ा सा पानी डाल के चावलों को पकाने के लिए आप रख दीजिए। ठीक है, अच्छा फिर हमें सब्जियां पकानी हैं, सो वो भी मुझे दूसरे चूल्हे पे शुरू कर देना है। सो हम लेंगे थोड़ा सा घी, यहाँ मेरे पास थोड़ा सा घी है, तो थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें। और अदरक और लहसुन है, यहाँ सारे मसाले जाएंगे, प्याज जाएगा। आलू को ढाँक दीजिएगा, ठीक है, ढका हुआ होगा ना तो ये ऊपर से जो लेयर है हमारी वो भी पक जाएगी, बट मेक श्योर कि नीचे से बहुत जल नहीं जाए। सो आंच बहुत कम रखिएगा, बहुत ही हल्की कर दीजिएगा। ओके, जैसे ही घी पिघल जाए आपने इसमें चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डालना है और इसको आप सौटे करिए। फिर आप उसमें प्याज शामिल करिए चॉप की हुई, किस 22 हफ्ता इतवार, अगला हफ्ता इतवार हम सब आपके साथ होंगे एक्सपो सेंटर मसाला फैमिली फेस्टिवल कराची में, तो ज़रूर आइएगा। आज का सवाल हमने रखा है कि लास्ट टाइम कराची में कब मसाला फैमिली फेस्टिवल हुआ था, सोचिए और बताइए। अच्छा जी, एक और कॉलर हैं बिहारी से असद, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी मैंने क्वेश्चन का आंसर देना था। जी 15 एंड 16 दिसंबर को हुआ था कराची में, एक्सपो सेंटर में हुआ था आपका ये मसाला मॉर्निंग का, ये मसाला का शो फेस्टिवल। अच्छा, सोचेंगे कि पता नहीं आपने सही जवाब दिया है कि नहीं, फिर आपको बताएंगे। जी ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरी फरमाइश थी। जी जी बोले। नारियल का मीठा बनाना सिखा दें। क्या? नारियल की मिठाई। क्या? नारियल की मिठाई। ओके ठीक है, ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोकोनट मिठाई बनाएंगे आपके लिए, आई थिंक मैंने बनाई भी एक दफ़ा कोपरा पाक के नाम से। चलिए कर देंगे दोबारा आपके लिए, ठीक है। एक और कॉलर है इस्लामाबाद से, गोभी में मैं डाल देती हूँ। जी हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, रिजवान बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप सुनाएं। प्रोग्राम माशाल्लाह आपका अच्छा जा रहा है। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जी 15-16 जुलाई 2022 को हुआ था। कब? 15 और 16 जुलाई 2022। जुलाई सब जुलाई जुलाई नहीं, सोचें ना, दोबारा सोचें। जुलाई तो बिल्कुल भी नहीं, इतनी गर्मी में कराची में कहाँ होता है। देखिए मैंने आपको इतनी बड़ी हिंट भी दे दी। अच्छा, जो मेरे पास डिटेल आ रही थी वो यही थी, जुलाई की। सोचें दोबारा सोचें, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुकिंग क्लास की डेट नहीं बताइए। मसाला फैमिली फेस्टिवल एक्सपो सेंटर कराची में जुलाई में कराची में नहीं कर सकते हैं, बहुत गर्मी होती है। सोचिए, चावल यहाँ हमारे हो रहे हैं, हैश ब्राउन्स मैंने चूल्हे पे भी एक बनाए हैं, यहाँ सब्ज़ी पक रही है। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी, लेकिन ज़रा कॉलीफ्लावर हो जाए ना, फूल गोभी उसके बाद। तो आप लोग लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए मसाला टीवी। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी, ठीक है, फिर मैं इसमें मटर डालूंगी। आलू और मटर हल्के हल्के बॉइल्ड हैं, इसलिए फिर सारे मसाले जाएंगे। हरी मिर्चें भी मैं डालती हूँ इसमें, और ज़ीरा है साबुत, गाजर है यहाँ क्यूब में कटा हुआ, गाजर को भी कोई ज़्यादा पकाना नहीं है। अच्छी तरह मिक्स कीजिए इसको। मक्खन में सिर्फ हमने पानी के साथ चावल बॉईल करके रख दिए थे, ये देखें, ठीक है। और जो मैंने ये बनाया था हैश ब्राउन, ये देखें मैंने इसको पलट दिया था, उल्टा कर दिया था पूरा, और एक तरफ से पकना ज़रूरी है ताकि फिर अंदर से जो चिकन है और जो चीज़ है वो भी सारा पिघले। मैंने उसको टर्न कर दिया था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सब्ज़ी में ज़्यादा पानी नहीं शामिल करिएगा, और हम इसमें साबुत मसाला क्या डालेंगे, गोल मिर्चें जो हैं, काली वाली मिर्चें हैं, और लौंग है, ठीक है, ये चला जाएगा। फिर हम इसमें मसाला शामिल करेंगे, ये है हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है। फूल गोभी, गाजर वगैरह ओवर कुक नहीं कर दीजिएगा, वी डोंट वांट के मशी वेजिटेबल हो जाए। उसकी सारी जो अफादियत है, जो जायका है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो सब ख़त्म हो जाता है अगर आप ओवर कुक कर देंगे सब्जियों को तो। अच्छा जी, फिर इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे, ऐसे नहीं। और धनिया पाउडर जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं लेमन जूस डालूंगी, डेनिश पेस्ट्री पे मुझे अभी चीनी छिड़कनी है, मैंने ऐसे ही वहाँ रख दिया है ताकि आप लोग देखें टेबल पे, ये देखें लेमन जूस और हरा धनिया, ठीक है। अब आपने इसमें अंडे डालने हैं, और वो अंडे जो हैं बॉइल्ड हैं, फुल बॉइल्ड एग्स होंगे। और चावल हैं, उनको इसके ऊपर हमें रख देना है, देन ऑन दम। सो जब भी चावल में मिक्स करें, बेशक चिकन क्यों नहीं हो, सब्ज़ी क्यों नहीं हो, बहुत ज़्यादा उसमें प्लीज़ ग्रेवी नहीं रखिएगा। सो नाउ वी नीड टू पुट दिस ऑन टॉप। ये आपके जो बटर्ड राइस हैं उसको रख दीजिए इस तरह, और इसके ऊपर यहाँ से हटा के ना मैं इसको तवे पे यहाँ रख देती हूँ। और थोड़ा सा घी ऊपर से डालेंगे, और अंडों को फिर हम सजा के रख देंगे। भावलपुर से चमेला है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ही आप? मैं ठीक हूँ जी, शुक्रिया। आप सुनाएं? आपका शो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत शुक्रिया। और मैंने आपकी फरमाइश करनी थी जी, मैंने ना वो पाए नहीं होते वो बनाना सिखा दें। पाए मैंने बनाए हैं, ज्यादातर खाए जाते हैं ना, पाए मैंने बनाए हैं। आप लोग को मैं कितनी सारी चीजें बनाना सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। और मैंने आपका आंसर भी देना है जी। क्या देना है? 15 और 16 दिसंबर को फैमिली फेस्टिवल शो हुआ था आपका। पक्का जी, पक्का। अच्छा चलें, ठीक है, सोचते हैं कि जवाब सही है कि नहीं। मैम कुरानदाजी में ज़रूर शामिल कीजिएगा। जी जी जी, सबको करते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा लेमन जूस भी डालते हैं ऊपर से, अगर आपने थोड़ा साबुत गरम मसाला पिसा हुआ हो वो भी अगर आपको ऊपर से छिड़कना हो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्स को हम ऊपर से डाल देंगे, और फिर मैं इसको स्लाइस में या सेक्शंस करके वेजेस करके रख दूंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, रिकैप ब्रेक की तरफ चलना है और ये जो डेनिश है जो बेक हो चुकी है उसके ऊपर मुझे छिड़कना है शुगर। ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ चावल दम पे हैं, मिक्स करके फिर हम वेज एंड एग पुलाव आपके सामने रेडी कर देंगे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से ये डिलक्स केटल, तो जल्दी से 8881 पर मुझे बताइए कि कराची में लास्ट टाइम कब हुआ था मसाला फैमिली फेस्टिवल। डेट्स लिख के 8881 पे SMS करिए, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। डोंट कंफ्यूज इट विथ कुकिंग क्लास। ठीक है, कुकिंग क्लास के साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा। मसाला फैमिली फेस्टिवल लास्ट टाइम कराची में। स्टे ट्यून्ड। चीज़ी डेनिश पेस्ट्री। अच्छा, अंडा 1 अदद, अंडे की जर्दी 1 अंडे की, क्रीम चीज़ 8 आउंस, चीनी 3 खाने के चमचे, लीमू का रस 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा, पफ पेस्ट्री ½ किलो। तरकीब, अंडे में 1 चाय का चमचा पानी डालकर एक तरफ रख दें। अंडे की जर्दी में क्रीम चीज़, चीनी, लीमू का रस और वनीला एसेंस डालकर फेंटें। पफ पेस्ट्री की 2 शीट्स 4 स्क्वायर्स में काट के उनके किनारे 1 इंच ऑक्टागॉन शेप में फोल्ड करें और क्रीम चीज मिक्सचर दरमियान में डालें। पेस्ट्री पर ब्रश से अंडा लगाकर चीनी से डस्ट करें और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 18 मिनट बेक करें कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। वेज एंड एग पुलाव। अच्छा, चावल 2 कप, उबले अंडे 3 अदद, अदरक छोटा टुकड़ा, लहसुन 2 जवे, घी ½ कप, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला ½ चाय का चमचा, हल्दी ½ चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च ½ चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, कटा हरा धनिया ½ कप, मिक्स सब्जियां ½ कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, नमक हस्बे जायका, जीरा ½ चाय का चमचा, लौंग 4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस ½ चाय का चमचा। तरकीब, चावल में मक्खन डालकर पकाएं और रख दें। गर्म घी में मसाले, अदरक, लहसुन और प्याज डाल के फ्राई करें। अब मिक्स सब्जियां, हरी मिर्च और पिसा गर्म मसाला डालें। पके चावल, नमक और पिसी लाल मिर्च मिक्स करें और धीमी आंच पर 5 मिनट पकाएं। कटा हरा धनिया, उबले अंडे और नींबू का रस डाल के सर्व कर दें। वोफल हैश ब्राउन पोटैटोस। अच्छा, आलू कद्दूकश 2 कप, पिघला मक्खन 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च ½ चाय का चमचा, चीज कद्दूकश 3/4 कप, कटी उबली चिकन 3/4 कप। तरकीब, प्याले में आलू, पिघला मक्खन, नमक और पिसी काली मिर्च डाल दें। अब वुफल आयरन को ग्रीस करके आलू का मिक्सचर, चीज और कटी उबली चिकन डालकर दूसरे आलू के मिक्सचर से कवर करके 15 मिनट तक इतना पकाएं कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए, आपने इसको इस तरह छन्नी में डाल के चीनी को ऊपर छिड़क देना है। ठीक है, देन यू प्लेस देम ऑन योर प्लेटर और इसको आप सर्व कर दीजिए। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान है। पफ पेस्ट्री अगर आपके पास पड़ी है फ्रिज में या फ्रीज़र में तो बस निकालिए और बनाइए। अब मैं वेज एंड एग पुलाव को जल्दी से डिश में निकाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर दीजिएगा हल्के हाथ से एंड देन जस्ट पुट इट इन योर प्लेटर। ठीक है, और ऊपर से आप बॉइल्ड एग्स जो हैं उसको स्लाइस कर दीजिए या वेजेस में काट लीजिए और उसके साथ आप इसको डेकोरेट कर दीजिए। और रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप थक गए हैं चिकन बिरयानी खा के और चिकन का पुलाव खा के, सो डेफिनेटली ट्राई इट आउट एट होम। अंडा लीजिए, उसको स्लाइस में काट लीजिए और इस तरह प्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया ऑन टॉप। नेक्स्ट प्लेटर कमिंग अप। नूर जीती हैं आज इनिक्स की तरफ से जो गिफ्ट है। आपको मुबारक हो, आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। सो डेफिनेटली पिकअप योर फ़ोन। जब हमारे गिफ्ट का जो डिपार्टमेंट है पूरा, वो आपको कांटेक्ट करेगा प्लीज़ और आपका एड्रेस ले लेगा आपसे। और इसी तरह फिर हमारा साथ देते रहिएगा। और मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल। मैं हफ्ता इतवार आती हूँ अब 4 से 5 लाइव, तो देखिएगा हमारा शो 4 से 5। बॉइल्ड एग स्लाइस्ड आप रख लीजिए इधर उधर हर जगह। वेज एंड एग पुलाव आपका हो गया। विद लिटिल बिट ऑफ हरा धनिया हियर एंड देयर। ठीक है, सैलड के साथ, रायते के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए, सो मेरा टेबल तो आज भर गया विथ ऑल द लवली डिशेज़। आई होप आप ट्राई करेंगे और हमें फीडबैक देते रहिएगा और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।